नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। आज आ गए हैं फिर से एक नए रिएक्शन के साथ। मैं हूं सुमन, ये है अनुराग, और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, विकी कौशल की एक मूवी आने वाली है जिसकी टीजर आई है, उस पे हम लोग आज रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत। बात तो सही है, एकदम बात सही है, एकदम बात तो सही। सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान, मतलब विक्की कौशल को अभी तक जितना देख के लग रहा है, वो जो उड़ी वाला है वो बुखार उतर ही नहीं रहा मेरा। बोल रहा हाउस जोस वैसा ही, हाँ, जब वो ऐसे करके बोलता है ना एकदम पूरा, मतलब वही जो पूरा ऐसे करके बोलता है तो वो वाला रिमाइंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, हाउस जोस वाला। मैं भी लग रहा है कुछ तगड़ा एक्टिंग किया है एकदम। अरे भाई, ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। हमको जहाँ तक लग रहा है कोई वॉर जंग होगा जिसमें जो भी नेता लोग होंगे या जो भी मिनिस्ट्री वगैरह कहीं से उसको बोला होगा, तो वो ये डायलॉग चिपका दिया है कि मेरे सोल्जर और मुझे इसी की ट्रेनिंग मिली है, आप अपना राजनीति संभालिए। सही चिपकाया है, तुम्हारी जगह वही है साहब, बिल्कुल अपने जवानों के साथ। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्मी ही मेरी लाइफ है। बहुत अच्छा एक्टिंग दिख रहा है, मतलब उसका वॉकिंग स्टाइल, चलने का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है ना, मतलब विक्की कौशल का। हाँ, पूरा एकदम, मतलब लग रहा है एकदम ओरिजिनल की तरह करने का कोशिश किया है, और लग भी रहा है एकदम, बहुत मेहनत किया है एकदम। सैम बहादुर, सोल्जर्स की ड्यूटी है अपने देश के लिए जान देना। बेग योर पार्डन मैडम, सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान देना। खतरनाक डायलॉग बोला भाई। जो भी इसका मेकअप आर्टिस्ट होगा, लुक्स पे बहुत अच्छा वर्क किया इसका। हाँ, लुक्स वर्क पे हाँ, लग रहा है भाई काम किया है। हाँ, एकदम टोटली डिफरेंट लग रहा है। विक्की कौशल कोई एंगल से लग नहीं रहा है एकदम, मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा, मतलब कोई मेहनत बहुत किया है। मेघना गुलजार, 1 दिसंबर, 1/12 जिंदगी उनकी, इतिहास हमारा। वाह, तो सुमन तेरे को कैसा लगा ये देख के, ट्रेलर टीजर देख के? सॉरी, मेरे को तो टीजर देख के विक्की कौशल का एक्टिंग बहुत ही इंप्रेसिव लगा मेरे को एकदम। मुझे लग रहा है कि मतलब जो रियल लाइफ में जो होंगे स्कैम जो, तो उनसे तो बहुत मैच मुझे लगा, मतलब जो विक्की कौशल का जो हम मेकअप किया गया है या फिर उसका वॉकिंग स्टाइल भी, जैसे कि हमने टीजर में बोला ही, एकदम रिजेंबल कर रहा है एकदम, बहुत मेहनत किया गया मुझे लग रहा है। वेल पुट अप टुगेदर जो बोलते हैं ना, सब कुछ को एक साथ अच्छा से दिखाया दर्शाया गया है, तो एकदम मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है एकदम बनाया। और वो रेवल एटीट्यूड भी दिख रहा है एकदम। बिल्कुल, क्योंकि उसने एक मूवी पे इससे पहले भी काम किया, तो उससे भी उसको मतलब बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा कि कैसा एक फौजी का होता है, तो उसका मुझे अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा दिख रहा है इस मूवी में भी, अच्छा सा मतलब उसने खुद को बनाया वैसा लग रहा है मुझे एकदम। तो तेरे को क्या लग रहा है, मतलब तेरे को अब नेक्स्ट के मतलब कैसा लग रहा है इसको देख के? हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है जैसे कि मैं बोला भी है कि वही वॉकिंग सब मैच कर रहा है, एक्टिंग तो कमाल का करता ही है। और जैसा कि थोड़ा बहुत जितना हम लोग जानते हैं सैम बहादुर जी के बारे में, कि वो 1971 में इंडो पाक का वॉर में जो है वो अपना लीडरशिप स्किल्स दिखाए थे जो मतलब वॉर में काम आया था, तो मुझे लगता है वही ओवरऑल एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई होगी इस मूवी में। और उनका जो भी रहा होगा लाइफ में, जैसे वो जिए होंगे और जो भी उनका एटीट्यूड रहा होगा, ये सब चीज़ को वो भली भांति अच्छी तरह से दर्शा रहा है विक्की कौशल का जो है एक्टिंग शैली में दिख रहा है ये सब चीज़। सो वही, और रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है तो ऑफकोर्स अच्छा ही होगा, दमदार होगा, और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।